आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। सैलून ना खुलने से नाराज नाई समाज पहुंचा अनुमंडल कार्यालय। कोविड 19 संक्रमण रोकथाम एवं बचाव को लेकर सरकार द्वारा अभी तक सैलून नाई की दुकान खोलने का अनुमति नहीं दिया गया है, जिस कारण देवगढ़ जिला के मधुपुर में नाई समाज के लोगों द्वारा आज मधुपुर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें नाई समाज के वह लोग जो लॉकडाउन के कारण विगत 3 महीने से अपना दुकान नहीं खोल पा रही है, जिस कारण वह लोग अब अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो रहे हैं तथा भुखमरी की कगार पर पहुँच गए हैं। इन सब बातों को लेकर आज मधुपुर SDO योगेंद्र प्रसाद को आवेदन देकर सैलून खोलने की मांग की है। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। मार्च से दुकान बंद है हम लोगों का, जिसके चलते हम लोगों के साथ खाने पीने का बहुत तरह का समस्या आ रहा, तेल मसाले का पैसा नहीं हो रहा हमको, इसलिए हम लोग SDO साहब से आग्रह करने आए कि किसी तरह दुकान खोलने का, और हम लोग चाहते हैं कि दुकान खुलवाया जाए हम लोगों का। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए दुकान का काम चालू करना चाहते हैं, जिससे कि हम लोगों का समस्या भी कुछ खत्म हो जाए। थोड़ा बहुत परेशानी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लॉकडाउन में हम लोगों के साथ सब्जी वगैरह खरीदने का पैसा नहीं हो रहा, तेल मसाला का, सिर्फ राशन कार्ड, राशन में चावल मिलने से क्या होता है सर, बताइए।